हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी सेकेंड लिस्ट के बारे में, जो कि स्पेशली लड़कों के लिए। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता होगा, आपके बहुत सारे ये कमेंट्स आ रहे थे कि क्या बॉयज़ की सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। जैसे कि आपको पता होगा, गर्ल्स की जो है सेकेंड लिस्ट आ चुकी है, जिसमें 2100 जो है गर्ल्स को बुलाया गया है। एडिशनल कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, जो कुछ पॉइंट की वजह से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उनको भी मौका मिल चुका है। अब देखिए, आपके ये कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब बॉयज़ के भी आने के चांसेस हैं कि नहीं है लिस्ट, ठीक है। तो देखिए, अभी तो हम पहले आपको क्या बोल रहे थे कि आपकी जो वैकेंसी आप नंबर है उससे ज़्यादा स्टूडेंट जो है अभी पास हो रहे हैं, लेकिन एक आर्टिकल के थ्रू अभी ये पता चला है कि आपकी सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस बन रहे हैं। हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देंगे, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, ठीक है। और जैसे कि आपको पहले से मतलब पता होगा कि जो पेट के लिए मतलब कि पेटी के लिए दौड़ के लिए जो है वो अभी लगभग जो है 58,000 प्लस स्टूडेंट्स को बुला लिया गया है, ठीक है। और हो सकता है आपकी और भी एक जो है लिस्ट जारी हो, क्योंकि अभी आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है अभी भी एडमिट कार्ड ओपन नहीं हो रहा है और ना ही उनका लिस्ट में नाम अभी आया है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें सेकेंड लिस्ट की, तो देखिए आपको पता होगा कि 43,000 जो है कुल सीटें जो हैं वो बॉयज़ की होंगी, 43,000 प्लस, वहीं 6,000 प्लस जो है वो गर्ल्स की सीटें होंगी। तो गर्ल्स की सीटें तो भरी नहीं, इसीलिए तो सेकेंड लिस्ट जारी हुई। अगर भाई हम 43,000, तो अगर हम बात करें सेकेंड लिस्ट की, तो अगर हम मतलब एनालाइजिस करें, तो देखिए अभी तो यही पता चल रहा है जो कैंडिडेट है वो वैकेंसी आप नंबर से ज़्यादा हो रहे हैं। तो आशा तो ये भी जताई जा रही थी कि आपकी जो मेरिट है वो इंक्रीज हो सकती है, डिस्क्रीज नहीं होगी। लेकिन अभी देखिए, एक आर्टिकल के थ्रू आपके लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा, अगर ये हो जाए तो बहुत ही बेहतर। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 50% अभ्यर्थी बाहर मेरिट गिरेगी। तो देखिए, अभी आर्टिकल के थ्रू मतलब ये खबर आ रही है कि 50% जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो रहे हैं, और ये आपकी जो है मेरिट से खबर जो है प्रकाशित हो रही है। और देखिए इसमें क्या है पूरी खबर, कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती प्रक्रिया में करीब 50% अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, जो कि ये मेरिट के मतलब आर्टिकल के थ्रू ये आपको हम बता रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि मेरिट डाउन हो सकती है और जो आपकी मेरिट है वो और कम जा सकती है, और ऐसे में उन अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है जो लिखित परीक्षा में थोड़े से अंक की वजह से जो है भर्ती में शामिल नहीं हो पाए। तो फ्रेंड्स, अगर ये बात सच हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी अगर हम अगर आप खुद देखो, तो अभी देखो मतलब 58,000 प्लस स्टूडेंट बुला लिए गए दौड़ में, तो 90% जो स्टूडेंट्स हैं दौड़ तो क्वालिफाई कर रहे हैं, ये आप मान के चलो, और कर भी रहे हैं अगर आप रनिंग देखते होगे तो एनालिसिस, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब तक पूरा जो है सब मतलब जितने भी स्टूडेंट्स डीपीएससी में क्वालिफाई हो गए हैं उनका, जब तक सबका दौड़ नहीं हो जाता तब तक आप कुछ भी आशा नहीं लगा सकते। हम आपको यहाँ आपको बिल्कुल भी दिलासा नहीं देंगे कि आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी ही आएगी, क्योंकि अभी ये आर्टिकल के थ्रू है, ठीक है। और जैसे ही ऑफिशियली कोई न्यूज़ आती है तो हम आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन आज के लिए अभी के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल से आपको जो भी ऑफिशियली, ठीक है, जो भी ऑफिशियली न्यूज़ आती है सबसे पहले और सबसे सटीक प्रोवाइड करते हैं। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।